दोस्तों, ये बहुत ही मजेदार बनने वाला है वीडियो। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दे। ऐसा कठिन आपको दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, ये बहुत ही मेहनत के बाद में बनाया हूँ। तो दोस्तों, आपने पहले यहाँ से जो है 4 इंची नीचे का, 4.5 इंची नीचे एक मारिक लगा देना दोस्तों। ये मैं शोल्डर का मारिक लगा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अभी क्यों 4 इंच रखा हूं मैं बाद में बता रहा हूँ। तो इसका 40 चेस्ट है, तो आपको मैं पूरा प्रूफ दे रहा हूँ। इस 40 हो गया और 1.5 इंची ऊपर मारिक लगाना दोस्तों, और ये 17 इंची के ऊपर कम्बर का सेंटर, और लंबाई इसका 35 है, तो यहाँ से 35 है, तो 36 रखेंगे और 2 इंची मार्जिन दे देंगे। तो सेम टू सेम इसका कॉपी कर लेंगे। ये हो गया दोस्तों। यहां से ये मारिकस स्ट्रेट लगा देंगे। ये मारे फूल दोस्तों, इसका डबल ब्रेस है, तो डबल ब्रेस है तो हमने 2.25 इंची का मारिक लगाएंगे। ये 2.25 इंची के ऊपर लाइन हमने सीधा लगा देना है। यह हो गया। अब दोस्तों, इसका जो मुश्किल का काम यह है, इसका गाला जो है जैसे शॉल कलर का कोट होता है उस तरह है, लेकिन ये लेडीज है, ठीक है। तो हमने इसका जो सामना में जो है वो गाला निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, और कितना पे डाउन करना है, ठीक है, वो पूरा मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो आप शुरू से आखिर तक देखेंगे, फिर आपको मालूमात होगा। तो ये जो है, ये मैं 2.25 इंची रखा हूं, तो आप 2.25 इंची रखे, ठीक है, 2.25 इंच। उसके बाद में दोस्तों, इसका बैक में 7 इंची है, तो पहले यहां से आप 7 इंची जो मारिक है यहां से 7 इंची रखेंगे, और ये 40 हो गया। ये 40 हो गया, तो इसमें हमने, ये 40 हो गया तो 2 इंची लूजिंग देंगे, प्लस 1 इंची इसका डांट का भाग देंगे। और इसका कमर में है 6 इंची, तो ये 18 दूना 36 इंची हो गया, प्लस इसमें 1 2 3, ठीक है। अब इसको भी हमने सेम टू सेम यहाँ पे तार लेंगे और ये साइड का मारिक लगा देंगे, ठीक है। तो काफी सारे लोग बोलते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि आप लूजिंग देते हैं तो सामने पहले ही इधर से आप निकाल देते हैं, 3 इंची निकाल देते हैं, 2.5 इंची निकाल देते हैं। तो हम क्या है कि पहले इधर से निकाल करके फिर जो है ना मारिक लगाते हैं। और कितना आदमी है जो ये लाइन है, जिसे आप ये डबल ब्रेस का नहीं लाइन काट रहे हैं, सिंगल का काट रहे हैं, तो आपको यहाँ ही से ही मारिक लगाना पड़ेगा सेम टू सेम, ठीक हो गया। तो इसका जो शोल्डर है, पहले इसका गाला मैं निकाला हूँ 2.75 इंची, तो इसका मैं निकालूंगा 4.5 इंची, ठीक है, यहाँ से 4.5 इंची, और उसके बाद में इस तरह कर देंगे। और उसके बाद में इसका कुश्ती जो है, कुश्ती हमने रखना है 40 का 1.5 इंची कम करके 8.5 इंची के ऊपर, तो 8.5 इंची का ये निशान लगा दिए,
प्लस शोल्डर इसका है 6 इंची, तो 6 इंची ये लगा दिए। और उसके बाद में यहाँ से 1.5 इंची लगाना है, और उसके बाद में 1.25 इंची, और इस तरह ये साइड पीस का हो गया। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपको जो नेपेल का है, नेपेल का मेन प्रॉब्लम है, नेपेल का अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो और भी ज़्यादा रखें, आपको कटिंग में आसानी होगा। अब जैसे ये मारिक है, इस मारिक को हम 14 इंची नीचे लगाएंगे, एक मारिक, ठीक है, यहाँ से 14 इंची नीचे एक मारिक लगाएंगे, ठीक है, और ये मारिक को हमने फुल स्टेयर कर देना है, या इस तरह से, ठीक है, जिस तरह शॉल का कोट काटते हैं उस तरह। उसके बाद में पहले ये डांट का मारिक लगा देंगे, इस तरीके से, ये आपका साइड पीस हो गया, और ये भी इतना। अब इसमें बीच में जो है ज्वाइंट है, तो यहाँ से हमने 4.5 इंची के ऊपर मारिक लगाना है। अब इसमें मैं एक बता दूं कि काफी सारे लोग जो है वो नहीं बताते हैं, ठीक है, और काफी सारे लोग बताते नहीं है कि यहाँ से आपने कितना रखना है। तो यहाँ से हमने जो है ना इसका सेंटर करना है, सेंटर करके ये 4.5 इंची के ऊपर मारिक लगाना है, और उसके बाद में आपको ये जो मारिक है, ये मारिक को पहले आपने थोड़ा सीधा लेना है, और उसके बाद में पहले आप इस तरीके से निशान लगा लें, ठीक है। अगर नहीं है आपके पास, अगर स्केल है तो आप इस स्केल से इस तरीके से ये थोड़ा थोड़ा करके देखिए, इस तरह करके आपको मारी लगा लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको मारिक लगाने में आसानी होगा। और यहां से आपने 1.5 इंची एक लाइन डाउन कर देना है। अब काफी सारे लोग जो है ना, उनके दिल में मन में ये सवाल होता होगा, से जैसे आपको मैं 40 छाती है तो 10 इंची के ऊपर मैं डाउन किया हूँ, तो 10 इंची के ऊपर मैं इसलिए डाउन किया हूँ कि इसमें 1.25 इंची जो है ये अंदर दबाव में जाएगा, ठीक है। आप ये 1.25 इंची अगर बाद में अब मैं डाउन कर रहा हूँ तो ये बाद में किस तरह होगा, इसलिए मैं इसका मार्जिन जो है ना पहले दे करके उसके बाद में ये मारिक लगाया हूँ, कि यहाँ से जो है वो आपको ये जब कटिंग करेंगे इसके अंदर से, तो ये जो मेकअप जो है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको 1.25 इंची 1 इंची जो होता है वो मेकअप कर लेगा, और उसके बाद में यहाँ से जो डांट का मारिक है यहाँ से क्वार्टर क्वार्टर इंची दोनों साइड में दे देंगे, तो इससे क्या होगा, कमर में आपका इस तरह से ये ज्यादा जितना भी शेप जो होता है ना, जैसे 40 है 36 है, तो अगर ये 34 भी आएगा तो यहाँ से आप शेप दे देंगे, तो आपको जो है ये पूरा जो है वो फिटिंग भी अच्छा आएगा, और उसके बाद में आपका लूज भी नहीं होगा, ठीक। तो ये हो गया, और उसके बाद में घेरे का मारिक लगा लेंगे राउंड, जो 1/2 इंची 1/2 इंची होता है। उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, जैसे ये एक बटन का है तो यहाँ पर भी 100 का एक बटन लगा देना है, ये बटन हो गया, इसी तरह होगा। उसके बाद में अब आ गया असल खेल, यहां से आपने 2.5 इंची रखना है, कितना, 2.5 इंची रखना है, ठीक है, और उसके बाद में इसको आप मारिक लगा लेंगे। अब इस तरह से इसको भी मारिक लगा लेंगे, ये मारिक हो गया।
अब यहाँ से 2.5 इंची रखे हैं, ठीक है, और यहाँ से जो है 4 इंची रखे हैं, ठीक है, ये जो ऊपर का साइड है 4 इंची रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो है ना, ये जो मारिक स्टेड मारिक लगाए, यहाँ से आपने जो ना, यहाँ से आपने 4.25 इंची डाउन करना है, ठीक है, 4.25 इंची डाउन करना है, और उसके बाद में ये 4.5 इंची रखना है, ठीक है, 4.5 इंची रखना है इस तरीके से, समझिए ये वाला इसका सेंटर हो गया, ठीक है। ये जो मारिक जो है यहीं पे आके इसका नोक आएगा, ठीक है, जब इस तरह टूटेगा तो यहाँ पे इसका नोक आएगा। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट में ये जो मारिक है इस तरीके से, ये हो गया, और उसके बाद में ये इस तरीके से मारिक लगाना है। इस तरीके से आपको मारिक लगाना है, यहां से 2.5 इंची का, और ये जो मारिक है यहां से, ये 4.25 इंची है, यहां से 4.25, ऐसे यहां से 4.5 इंची है, ये इसे जो है 4.5 इंची है, ठीक है, और उसके बाद में इस तरह है 4.25 इंची है, इस तरीके से इसको। फिर आप जो है ना, इस तरह से जब टूटेगा तो यहाँ से जब ये जो बटन जो है ना, यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर लगेगा, ठीक है, तो ये जो है ना आपको फुल यहाँ पे आएगा, और इसके बाद में जो ये सॉल कलर, सेम सॉल कलर जैसे कठिन होता है, लेकिन इसका नेपेल रखने का तरीका थोड़ा फर्क होता है, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। तो एक मेरे दोस्त है, उनको थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि इसका जो कठिन किस तरह बताना है, तो इसलिए मैं ये बनाया हूँ। तो आपको मैं लूजिंग रखने का भी तरीका मैं बता दिया, एक ही दफा मैं यहाँ पे, ये देखिए मैं 3 इंची दिया हूँ, तो इसमें मेरा ये देखिए मेरा 1.25 इंच ये जाएगा, और ये 1.25 इंच जाएगा, कितना हो गया, ये मेरा 1.25 इंच गया। इसमें आपको ऑल राउंड जो है ना 2.5 इंची लूजिंग आएगा, ठीक है। ज्यादा करके इसमें लेडीज कोट में आपको बंद नहीं करते हैं, आपको ज्यादा करके खुला रखते हैं, इसलिए जो है ना आपको ज्यादा लूजिंग नहीं देना है इसमें, ठीक है। तो आपको इसी तरह रखना है, और उसके बाद में ये जो 1/2 इंची ऊपर मार्जिन छोड़ करके, उसके बाद में इस तरीके से कट इन कर देना है। इस तरह आपको कट इन करने में क्या होगा कि है, और यहां से भी आपने 1/2 इंच जितना दबाव छोड़ना पहले, उसके बाद में इधर 1/2 इंची छोड़ करके, इससे क्या होगा आपको बाद में भी कट इन करेंगे, सिलने के बाद में जब इसको ज्वाइंट करेंगे तो आपको पूरा। तो दोस्तों आपको कट इन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूरी बता दे, और यहाँ से ये हो गया, इसमें क्या होता है वाली पॉकेट नहीं होता, और इसके बाद में यहाँ से आपने पहले ऊपर से 20 इंची के ऊपर पॉकेट का मारिक लगा दे, आपको इसी ज्वाइंट में भी पॉकेट का आ जाएगा, शो के लिए होता है पॉकेट का, और ये साइड पीस हो गया।
ये साइड पीस हो गया, तो इसके लिए आपको अब ये जो है उसके बाद में यहाँ से ये ज्वाइंट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सीनने के बाद में आपको फिर से इसको कटिंग कर लेना है, ठीक है। यहाँ से ये सीनने के बाद में और ये आपका इस तरह से आपको ठीक है दोस्तों। तो आप सब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर